गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? सो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इंटरनेट सेवा जो है वो हरियाणा में ठप हो रखी है। वैसे तो सारे हरियाणा में नहीं, बट कुछ कुछ जगह पर नेट जो है वो ऑफ कर रखा है ना, इंक्लूडिंग अवर एरिया। तो 6-7 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट अभी बंद है, बैन है, और आई थिंक हो सकता है कि कुछ दिनों में थोड़ा सा और ही आगे पोस्टपोन हो जाए चीज़ें, क्योंकि जिस तरीके से अभी पहले 2 दिन के लिए नेट बंद हुआ, फिर उसके बाद 3 दिन और आगे बढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से ये चीज़ें देखते हुए, और जो अभी किसान आंदोलन आप लोगों ने देखा ही होगा, न्यूज़ में सुन ही रहे होगे कि चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आ रही हैं। और ये चीज़ भी सुनने में आ रही है कि शायद एग्ज़ाम्स भी पोस्टपोन हो सकते हैं, बट ऐसा कुछ अश्योरिटी के साथ ऑफिशियली नहीं बोला गया है। बट अगर कॉमन सेंस अगर हम लगाएं थोड़ा सा, और थोड़ी सी अगर हम इन चीज़ों का ध्यान लगाएं, अगर सिचुएशन ठीक नहीं होती, वैसे तो होप्स हो कि सिचुएशन ठीक हो जाए, और बहुत ज़्यादा अभी इस तरीके से सिचुएशन चल रही है कि ख़त्म नहीं हो रही हैं चीज़ें। आप लोगों ने अगर न्यूज़ में देखा हो तो हाईवेज़ वगैरह जो हैं वो जाम कर रखे हैं, और साथ साथ जो हैं वो बाकी सारी चीज़ें जिसको बोल सकते हो कि नारेबाजी चल रही है ना, पुलिस वगैरह भी प्रोटेक्शन चल रही है सब जगह पर। तो काफ़ी सिचुएशन अभी क्रिटिकल है, और आंदोलन मुझे लगता नहीं है कि ये सही होगा अभी कुछ दिन तक, और एग्ज़ाम्स में भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, 15 दिन भी नहीं बचे हैं। 28 फरवरी से एग्ज़ाम है और 15-16 हो गई है, तो देखते हैं ये अगर होता है, क्योंकि बायोमेट्रिक वगैरह जितनी चीज़ें होती हैं बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंप्यूटराइज्ड होती हैं। और हालांकि वाईफाई सर्विसेज जो हैं वो चल रही हैं, बट स्टिल वाईफाई भी इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं ले रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, और काफ़ी जगह पर काम रुका हुआ है। अगर आप बाज़ार में, मॉल वगैरह में जाएंगे या कैंटीन वगैरह में जाएंगे, तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि बिलिंग नहीं हो रही है, क्योंकि इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग इन सम एरियाज ऑफ हरियाणा। तो इसलिए चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो सकते हैं। ओके, कुछ टीचर्स भी जो हैं मेरे नोन में, उनसे भी मैंने बात की, तो वो भी बोल रहे थे कि हो सकता है कि या तो सबके हों, या फिर कुछ राज्य, कुछ ज़िले जो कि इस हिंसा के अंदर इंक्लूडेड हैं उनमें हो, जिसमें कुछ जगहें आ रही हैं ना, 6-7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो आ रही हैं हरियाणा की। तो ये चीज़ देखा जाएगी कंक्लूजन कि होता है या नहीं होता है, और मतलब कि एग्ज़ाम आगे जाते हैं नहीं जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अभी। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि देखो, एग्ज़ाम्स का तो चलो कोई बात नहीं, पोस्टपोन होते हैं तब भी अच्छी बात है, नहीं होते तब भी अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है। एक चीज़ का ध्यान आपको, मतलब मेन क्या है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करके रखना है, ठीक है। अगर पोस्टपोन होते भी हैं तो अच्छी बात होगी, आप लोगों को थोड़ा और मौका मिल जाएगा, बट अगर पोस्टपोन नहीं होते हैं तो आपको उस कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि हाँ भाई, जो सिलेबस है हम उसको कंप्लीट रखें, ठीक है। इस होप में नहीं रहना है कि हाँ पोस्टपोन होगा ही तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि पढ़ना तो है ही, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम प्रिपरेशन नहीं होगी तो फंसोगे उस टाइम पर, ओके। और अगर पोस्टपोन होते हैं तो ऑफिशियली कुछ दिनों में ही न्यूज़ आ जाएगी, जो कि चांसेस हैं कि हो जाएँ। आप लोगों की क्या थिंकिंग है? आप लोग तो मुझे पता है सबके सब यही बोलोगे कि पोस्टपोन मैम हो जाने चाहिए, है ना। लेकिन एक कंक्लूजन अगर हम देखें तो, पोस्टपोन हो या ना हो, यार देखो रिज़ल्ट वही बनेगा जो आप लोगों का हार्डवर्क होगा। जैसे कि मैंने भी एक पोस्ट भी डाली थी, उसमें भी मैंने यही बोला था कि ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन योर हार्डवर्क, ऑन योर परफॉर्मेंस, की जैसा आप अपना परफॉर्मेंस रखते हैं, जैसा आपका हार्डवर्क रहता है, उसके हिसाब से ही आपका रिजल्ट बनेगा, ओके। तो अपना सिलेबस कंप्लीट रखिए, ठीक है। एनसीईआरटी से पूरा का पूरा पेपर बनना होता है, और आपके पास एनसीईआरटी बुक्स ही हैं, सो नो टेंशन, नो वरी। आप लोगों को उससे ही अपनी प्रिपरेशन रखनी है, आप लोगों को ट्राई करना है कि हाँ वो चीज़ हम ज़्यादा पकड़ें जहाँ से पेपर ज़्यादा बनना है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, वो इस चीज़ में भी फंसे हुए हैं कि मैम हमारी इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं है, सो प्लीज़ गाइड अस कि हम इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करें, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया। तो उसके लिए आप लोगों को हर सब्जेक्ट का एक ही फंडा है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, किस टाइप के टॉपिक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोगों को एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, जो ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स सब्जेक्ट्स हैं, तो उन चीज़ों पर थोड़ा सा वर्क कीजिए, ऑटोमेटिकली आप लोगों को ये चीज़ देखने के लिए मिल ही जाएगी, और एग्ज़ाम में आप इन चीज़ों की हेल्प से जो है थोड़ा सा कर लोगे, ठीक है, अच्छा स्कोर हो जाएगा। बस टेंशन नहीं लेनी है, ओके, बस थोड़ा सा प्रे करो कि जल्दी से सिचुएशन ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन अभी चल रही हैं, और किसान लोग जो हैं, जितने उनके बच्चे हैं, उनके फैमिली हैं, सबके सब काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं।
हम कोई पॉलिटिकल इशू यहाँ पर रेज़ नहीं कर रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही है, गवर्नमेंट की गलती है किसानों की गलती है, कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज़ जो है वो गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि नुकसान जो है वो आम जनता का ही होता है ना। तो जहाँ तक है वहाँ तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए, बट करते नहीं है वो अलग बात है। और जैसे आप लोग मणिपुर हिंसा का देख सकते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी सिचुएशन आप लोगों ने देखी, अभी तक जो है वहाँ की स्टडी इफेक्ट हो रखी है, अभी तक वहाँ के लोग जो हैं वो टेंट में रह रहे हैं, कैंपिंग में बैठे हुए हैं, उनके पास अपने घर की छतें भी तक भी सेफ नहीं है। सो दीज सिचुएशंस आर नॉट गुड फॉर देम। और सबसे मेन जो है इफेक्ट जो है वो बच्चों की स्टडी पर होता है, उनके फ्यूचर उनके करियर पर होता है, और जो कि बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ होती है। तो इंडिया में थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, है ना। अब देखते हैं कब तक ये हिंसा ख़त्म होती है और कब तक सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होती है। हालांकि आज की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं छत पर कर रही हूँ अपनी, और पीछे का आप लोग देख सकते हैं पूरा हमारा ये धूप जो है वो निकल चुकी है, तो इसलिए थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया है, वरना बीच में बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो जल्द ही चीज़ें नॉर्मल हो जाए थोड़ा प्रे करिएगा, ओके। और अपनी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी बढ़िया रखिए, गुड रखिए, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको उस हिसाब से आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप उस तरीके से उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा काम करें, ओके, बिकॉज दैट थिंग इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। और जो भी हरियाणा बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पेपर जैसा भी आए आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम बेस्ट होनी चाहिए। कोई आप लोगों को लेना देना नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो तो चलो आगे का है कि हाँ भाई पोस्टपोन होते हैं या नहीं होते हैं, तो वो उसके करने के लिए गवर्नमेंट तो बैठी हुई है, राइट। बट आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, दैट इज़ कि जो जिस एग्ज़ाम में आपका मतलब जो एग्ज़ाम आपका है, चाहे आप CTP से हैं, चाहे ओपन से हैं, चाहे आप रेगुलर हैं, किसी का एक एग्ज़ाम है, किसी के दो हैं, किसी के तीन हैं, किसी के सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो उस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को डन रखिए और कोशिश करते रहिए। प्रीवियस सिर्फ क्वेश्चन पेपर पर्टिकुलरली एक तो लगाना ही है, ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हो ना, सो मेक श्योर कि यू हैव टू राइट समथिंग, ठीक है। आप लोगों को उस चीज़ को लिखना है, जो कि 0% में बच्चे आते हैं जो लिख के प्रैक्टिस करते हैं। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने 2 या 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अगर आपने राइटिंग में कर लिए ना प्रैक्टिस, तो वहाँ से आप लोगों के 2 फायदे होंगे। फर्स्ट इज़ कि आप लोगों को यू विल नो योर लेवल, ठीक है, कि आप उस सब्जेक्ट के अंदर पर्टिकुलर किस लेवल के अंदर हैं। और दूसरी चीज़ आप लोगों को अपने वीक पॉइंट्स पता लगेंगे, ठीक है, कि मुझे ये चीज़ें नहीं आती हैं और ये चीज़ें जब एग्ज़ाम में आएंगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ओके। और इसके अलावा मैं थर्ड थिंग इज़ कि आपकी राइटिंग स्पीड मेंटेन होगी, आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे ये राइटिंग ये स्पीड जो है मेरी नहीं बन पा रही है, या फिर अगर मैं राइटिंग कर रहा हूँ मुझे पेपर करने में इतनी देर हो रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पेपर ना रह जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। तो इस तरह से इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए और कोशिश करते रहिए कि थोड़ा सा फोकस होके, एक महीना है ज़्यादा आप लोगों को, 2-3 साल तो पेपर चलने से रहे, 1-1.5 महीना ही आपको फोकस करना है, तो फोकस करिए, ध्यान दीजिए। और मौसम जैसे कि सही हो गया है, बस सिचुएशन भी थोड़ा सा सही हो जाएं, इंटरनेट इश्यूज़ वगैरह जो चल रहे हैं वो भी थोड़ा ठीक हो जाएं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम बच्चे फेस कर रहे हैं, और इंक्लूडिंग वी आर ऑल्सो फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, तो उन चीज़ों पर भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को बस गौर करना चाहिए, ओके। सो आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है, आप लोगों का सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, कौन से एग्ज़ाम की, मैंने जो कमेंट्स आप करते हो ना, सबके कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ, सो डोंट टू वरी। जो कमेंट्स होते हैं, मैम इस सब्जेक्ट की पर्टिकुलर रिवीजन करवाइए, या पर्टिकुलर वीडियो, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, वो मैं देखती हूँ। सो उसकी वीडियोस भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी, बट हमारे यहाँ पर भी इंटरनेट नहीं चल रहा है, सो दैट वाईफाई सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही हैं, इसीलिए मैं वीडियो जो है आई एम नॉट एबल टू अपलोड वीडियो, सो इसलिए मेरी वीडियोज़ बहुत स्लो आ रही हैं इस टाइम पर, ठीक है। बट आप लोगों के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वीडियो जो है मैं जल्दी डालूंगी और रिवीजन भी करेंगे, सो डोंट टू वरी, 2-4 दिन में सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, होप सो, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आप लोग अगर यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो मोर एंड मोर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट। एंड इसके अलावा मैं आप लोगों को गुड लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, धूप सेकते रहिए मेरी तरह और पढ़ाई करते रहिए। धूप हालांकि बहुत तेज़ है, थोड़ी देर में ही मेरे को जो है गर्मी लगने लग गई, हालांकि मैंने सिंगल ही टी शर्ट पहनी है, बट ये वूलन है ना तो गर्मी लगने लग जाती है, और हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, जैसे कि मेरे बाल भी मैं भूत बन चुकी हूँ इस टाइम पर, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।